सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मीशो में मेरे यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन देखने में मिलता है यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अगर आपके मीशो में कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं कैश ऑन डिलीवरी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी क्लिक करके यहाँ पे क्लिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिखता है लेकिन वहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आप लोग फ्रेंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग फ्रेंड्स क्या करना है, ये मीशो एप्लीकेशन को सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। मिनिमाइज़ करने का प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आपको परेशान नहीं होना, मैं स्टेप बाई स्टेप मेथड बताएंगे किस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मीशो लिख लेता हूँ और मीशो लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है, ठीक है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है मीशो एप्लीकेशन को। इसके बाद आपको चेकआउट कर लेना है कि आपका मीशो एप्लीकेशन अपडेट है या नहीं। मेरा फिलहाल अपडेट है। अपडेट हो जाने के बाद आपको फिर से वापस मीशो एप्लीकेशन में आ जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से वापस आ जाते हैं। वापस आ जाने के बाद यहाँ पे क्या प्रॉब्लमें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मीशो की तरफ से आप लोग कोई प्रोडक्ट को कई बार ऑर्डर करते हो फिर कैंसिल करते हो, फिर ऑर्डर करते हो, फिर कैंसिल करते हो, तो फिर ऑर्डर करते हो, तो वहाँ पे जो मीशो की तरफ से जो बैठे रहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पे बैठे रहते हैं तो आपके अकाउंट को चेकआउट करते रहते हैं कि आपने कोई नेगेटिव एक्टिविटी तो नहीं की। अगर आपने बार बार कैंसिल कर देते हो तो मीशो की तरफ से वो आपके पिन कोड के एरिए के ज़रिए, आपके नंबर के ज़रिए आपका वो कैश ऑन डिलीवरी का वो ऑप्शन डीएक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। मेथड नंबर एक, मेथड नंबर दूसरा ये होता है, जैसे कि आप लोग कोई स्मार्टफोन हो, आईफोन हो, बड़े से बड़े फ़ोन, महंगे फ़ोन आप लोग परचेस करते हो और आप लोग मीशो की तरफ से कोई ऐसा अवेलेबल नहीं होता है फ्यूचर, जैसे कि आप लोग कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। आपको भी पता है, मुझसे ज़्यादा आपको पता होता है कि कैश ऑन डिलीवरी में बड़े बड़े महंगे कोई प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, मीशो के तरफ से ऑर्डर करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ आपको भी परेशानी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा आपको परेशानी होती है, उसके बाद मीशो को परेशानी होती है, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी को सेव रखने के लिए वहाँ पे बड़े बड़े प्रोडक्ट पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देता, ठीक है। केस नंबर तीसरा दूसरा है। अब केस नंबर तीसरा क्या होता है, जैसे कि आप लोग छोटे से छोटे प्रोडक्ट को परचेज करते हो, जैसे कि 90 रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का, 120, 50 रुपये का, तो इस पे मीशो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है, नहीं देता है। इससे क्यों नहीं देता है, क्योंकि आपका जितना प्रोडक्ट नहीं है उतने से ज़्यादा उनका डिलीवरी चार्ज हो जाता है और किसी किसी प्रोडक्ट पर डिलीवरी चार्ज भी अवेलेबल ज़्यादा नहीं मिलता है, तो वहाँ पर छोटे छोटे प्रोडक्ट पर वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हो, आप लोग बोलोगे कि हम कैश ऑन डिलीवरी देने के लिए तैयार हैं, तभी भी वो यहाँ पे नहीं आने के लिए, क्योंकि आपकी अगर आपकी 90 रुपये की कोई लीड है तो कैश ऑन डिलीवरी से आप मंगाते हो तो वहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। अगर आएगी तो डिलीवरी चार्ज आपसे ज़्यादा काट लिया जाएगा और कई कई प्रोडक्ट पर डिलीवरी चार्ज नहीं है लेकिन वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी डीएक्टिवेट कर दी जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तीन केस होते हैं। तीन केस में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको अब बताएंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, जैसे कि बार बार आपको कैंसिल प्रोडक्ट करते हो तो आपको ध्यान देना है, कैंसिल प्रोडक्ट नहीं करना है। अगर आपको कोई मल्टीपल कोई अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया तो उस पर बार बार कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आपने ऑफिशियल चला रहे हो, आप लोग मीशो अकाउंट ऑफिशियल बनाया है, ऑफिशियल चला रहे हो, जिससे अर्निंग भी करते हो, सब कुछ करते हो, तो उससे ये छेड़छाड़ नहीं करें, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे कि आप लोग जो आपका पिन कोड होता है एरिया का, ठीक है, तो अपना पिन कोड जैसे अपने एरिया का चूज़ कर लेना, देख लेना पिन कोड, ठीक है। इसके बाद अपने रिश्तेदार का पिन कोड डाल के आप लोग अगर अर्जेंट भी प्रोडक्ट हो कैश ऑन डिलीवरी तो उनका प्रोडक्ट, अपने रिश्तेदार का प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी का जो भी प्रोडक्ट है ना, तो उसका आप लोग पिन कोड ले लेना और उसका पिन कोड अपने एरिया में डाल देना और आप लोग पूरा एड्रेस चेंज कर देना, ठीक है। एड्रेस चेंज नहीं कर पाते तो परेशान नहीं होना, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, बटन में वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से भी चेकआउट कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग पिन कोड चेंज कर लेना है, उसके बाद एड्रेस चेंज करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो आप लोग एक नंबर में मैसेज करा रही है डिस्प्ले पर, ये नंबर को ध्यान से देख लेना है, ठीक है। ये नंबर है,
ये नंबर को आप ध्यान से देखना और उसके बाद आपको कस्टमर केयर से लगा लेना है, ठीक है। अगर नहीं लगाना पाते हो तो आप लोग अपने प्रोडक्ट पे आना है और माई कॉल मी पे क्लिक करके आप लोग कॉल मी बैक करके 5 मिनट पे आपकी ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगी। उनके आप लोग उनको बता सकते हो कि सर मेरे यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपके फ़ोन पे आपके मीशो अकाउंट पे 12 से 24 घंटे में आपको वो हेल्प जो ऑप्शन होता है ना वो कैश ऑन डिलीवरी वो एक्टिव करा दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बस यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।